बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो माइलस्टोन कहलाई हैं दोस्तों, जिनका कोई तोड़ नहीं है। ये कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। आप इन फिल्मों को देखकर कभी बोर नहीं होंगे। ऐसी ही बॉलीवुड की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसका नाम दोस्ती था, जो रिलीज हुई थी 1964 में, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था, फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़ेजात्या, और राजश्री प्रोडक्शन में ये फिल्म बनाई गई थी। ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी पर बेस्ड थी। ये सच्ची दोस्ती की कहानी को प्रदर्शित करती थी। बेहतरीन सुपरहिट गीतों से सजी ये फिल्म अपनी कहानी के साथ साथ अपने म्यूजिक के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के संगीत निर्देशक यानी म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में 6 गाने थे, उनमें से केवल 5 गाने ऐसे थे जिन्हें मोहम्मद रफी ने गाया था, और एक गाना गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, इसे लता जी ने गाया था। इस फिल्म के लीड एक्टर्स थे सुधीर कुमार और सुशील कुमार। ये एक डेब्यू फिल्म थी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय खान की। इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी फरीदा जलाल। इस फिल्म को ढेरों अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट लिरिसिस्ट। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद दोनों लीड एक्टर सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात सुपरस्टार बन गए, और उस वक्त बॉलीवुड के सभी स्टारों से इनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई। लेकिन अपने करियर के पड़ाव पर आकर जहां एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें साइन करना चाहता था, जब सफलता इनके कदम चूम रही थी, तब ऐसे में अचानक ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। ये काफी अजीब था। उस समय इन दोनों को लेकर काफी अजीब तरीके की बातें होने लगी। एक खबर ये फैली कि इन दोनों एक्टर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और मौत के पीछे सुपरस्टार दिलीप कुमार का हाथ बताया गया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर इन दोनों एक्टर का हुआ क्या। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों का हुआ क्या। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि दिलीप कुमार साहब ने दोनों को मरवा दिया, तो क्या ये सच है? चलिए, इन सभी बातों का जवाब आज हम आपको इस एपिसोड में देने वाले हैं। वेलकम टू ट्रू बॉलीवुड टीवी। दोस्तों, बता दें आपको कि फिल्म की रिलीज के बाद दोनों की मौत नहीं हुई, ना ही दिलीप कुमार से इन दोनों का कोई लेना देना था, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये मात्र एक अफवाह थी, केवल एक अफवाह। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों हैं कहाँ, कहाँ चले गए ये दोनों। चलिए बात करते हैं सुशील कुमार की। इनका नाम था सुशील बेलानी। ये पाकिस्तान के कराची में 1945 में जन्मे, और 3 साल बाद ही पार्टीशन की वजह से इनकी फैमिली गुजरात के नवसारी शहर में आकर फूड्स का बिजनेस करने लगी। इस बिजनेस में लगातार घाटे से तंग आकर 6 साल बाद गुजरात से ये फैमिली शिफ्ट हो गई मुंबई। मुंबई के माहिम में एक चौल में ही रहने लगे। सुशील के पिता का दादाजी का एक खास अच्छा बिजनेस था, वो रईस वाली जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन लगातार हो रहे घाटों की वजह से ये बैंक करप्ट हो गए और पिता और दादा दोनों की मौत हो गई। उसके बाद इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। सुशील कुमार की मौसी मौसा चैम्बूर में रहते थे और ये भी वहीं जाकर रहने लगे। उस समय सुशील 9 साल के थे। इन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि सुशील कुमार को नाच गाने का शौक था। गणपति विसर्जन जैसे कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते थे। उनके एक अंकल थे किशन लाल बजाज, जो पहले कराची में रहते थे लेकिन पार्टीशन के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उन्होंने सुशील कुमार की माँ से कहा कि वो सुशील को फिल्मों में काम करने दे, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। माँ राजी हो गई। सुशील कुमार की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई। उनकी पहली फिल्म थी सिंधी में, जिसका नाम था शमाना। इसके बाद उन्होंने एक सिंधी फिल्म में काम किया जिसका नाम था इंसाफ के थे। ये फिल्म रिलीज हुई और 1959 में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट तौर पर कई फिल्में की, और 1958 में फिर सुबह होगी में, और फिर फिल्म इन्होंने धूल का फूल और मैंने जीना सीख लिया। 1960 में इन्होंने काला बाजार, दिल भी तेरे हम भी तेरे, श्रीमान सत्यवादी, और 1961 में संपूर्ण रामायण और एक लड़की 7 लड़के में भी काम किया। 1963 में फूल बने अंगारे, और इसके कुछ समय के बाद राजश्री प्रोडक्शन के ओनर ताराचंद बड़ेजात्या जो एक फिल्म बनाना चाहते थे दोस्ती, उसमें ये 2 लड़कों की जरूरत थी जहाँ ये नजर आए। और आपको बता दें कि ये फिल्म रीमेक थी बंगाली फिल्म की जिसका नाम था लालू बोलू। तारा बड़ेजात्या की बेटी राजश्री ने सुशील कुमार को फिल्म फूल बने अंगारे में देखा था और वो काफी प्रभावित थी। उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया और आखिर में इन्हें फिल्म दोस्ती में ले लिया गया। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों रोल में से कौन सा ये रोल मिलेंगे, इनको कौन सा करेंगे, यानी कि नेत्रहीन या फिर अपाहिज, इनका कौन सा रोल फिक्स होगा। बाद में बता दें कि अपाहिज वाला रोल
दूसरी तरफ सुधीर कुमार को ऑफर किया और नेत्रहीन वाला किसी और को, और आखिरकार इन दोनों लड़कों को 3 साल के लिए साइन कर लिया गया। इन्हें 300 रुपये मिलते थे। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और ये आसमान की बुलंदी पर पहुंच गए। लेकिन आपको बता दें कि उसी समय इन्होंने मद्रास की एवीएम कंपनी से अपना काम शुरू किया और राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म को मना कर दिया। और बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इन्हें राशि मिली थी वो भी इन्हें लौटानी पड़े। तो कुछ इस तरह से कहानी थी, यानी कि जीवन के कई उतार चढ़ाव आए जहां पर इन्हें ऐसे मौके देखने पड़े कि इन्हें काम नहीं मिला। इसके बाद क्योंकि दोनों को दोस्ती में एक साथ लिया गया था, सुशील और सुधीर को, तो अगर सुशील ने मना कर दिया तो सुधीर का करियर भी इसी तरह डूब गया। बाद में सुधीर ने पढ़ाई की और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एयरलाइन में काम करने लगे, और इसी तरह उनकी भी डेथ हो गई और ये 2003 में चले गए। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की कहानी थी। फिलहाल इसमें इतना ही। आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।